गरीबी कम करने समेत कई मामलों में यूपी पहले पायदान पर पहुंच गया है। यूपी सरकार के सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि ये पीएम मोदी और सीएम योगी की नीतियों का ही नतीजा है। देखिए आदरणीय योगी जी की ईमानदारी की ताकत है और जो परिश्रम की पराकाष्ठा है उसकी एक ताकत है, कानून का जिस प्रकार राज है उसकी ताकत है, जिसके कारण लोगों का यूपी के प्रति विश्वास बढ़ा है। यूपी आने में भी लोग डरते थे और घूमने में भी डरते थे, यूपी के लोग बाहर जाते थे पलायन करते थे, आज राज्य के लोग किसी राज्य के अंदर चले जाएं, किसी देश के अंदर देश के किसी राज्य में चले जाएं, आज उसका सम्मान बढ़ता है और उसको लगता है कि क्या मोदी जी योगी जी के राज्य से आए हो क्या, ये सम्मान बढ़ता है। इसी कारण जो जो भी क्षेत्र है, चाहे यूपी ने बैंकिंग पर्यटन हो, गरीबी उन्मूलन हो, शेयर बाजार में निवेश को, यानी सब को पछाड़ा है। इन क्षेत्रों में यूपी ने सभी को पछाड़ा है और आज की डेट में निष्पक्ष नियुक्तियां होती हैं, इस कारण राज्य का सम्मान बढ़ा है, दूसरे राज्यों में सम्मान बढ़ा है, इसीलिए निवेशक भी बाकी लोग भी बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। रोड हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, सभी क्षेत्रों में प्रगति हुआ है, इसलिए लोग निवेश कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं और उनको सुविधाएं भी दी जा रही है। उन विंडो सिस्टम के माध्यम से उनको सुविधाएं भी दी जा रही और तकलीफ न हो इसके लिए अधिकारी कर्मचारी भी लगे रहते हैं। तो ये स्थिति हम लोग, इसी कारण आज राज्य प्रगति कर रहा है और लोग जो पलायन होते थे अब वो पलायन रुक रहा है। तो स्वतंत्र देव सिंह को आप सुन रहे थे, लेकिन प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि सीएम योगी के नीतियों से प्रदेश की पहचान बदली है और क्या कहा उन्होंने आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा विनिवेश करने वाला प्रदेश बन गया है। 2017 के पहले जो प्रदेश को लोग अपराधों वाला प्रदेश, 44 साल से लेकर 54 जिलों में कर्फ्यू वाला प्रदेश, देश के सबसे ज्यादा दंगा वाला प्रदेश, सिर्फ देश के सबसे खूंखार माफिया वाला प्रदेश बोलते थे, जहां सड़क में गड्ढा या गड्ढा वाला प्रदेश बोलते थे,